हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, यानी रानी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रानी की वीडियो देख के एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। रानी चाय पीती है, ये काली चाय पीती है, वाइट नहीं पीती है, दूध की चाय नहीं पीती है, दूध दही मक्खन की सारी चीज़ें ये नहीं खाती है। तो हम आप सभी को बता दें कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में हमें प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी जो लेफ़्ट साइड की नीचे वाली बटन है वो दबी थी स्टैंड में, तो इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही है इसमें और हम अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग जो है 3 साल से रानी की वीडियो देख देख कर बोर हो गए हैं। वही खाना पीना, वही हरकतें, सेम टू सेम। 3 साल से हम कितनी वीडियो डालेंगे ऐसी? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हम अदर कंटेंट यूज़ करें कि नहीं करें, जैसे कॉमेडी, प्रैंक, प्रैंक देहाती प्रैंक होता है, जैसे गाय भैंस चोरी करना और गांव से रिलेटेड जो प्रैंक होते हैं वो मैं इस चैनल पे डालूं या नहीं। इसमें आप सबकी क्या राय है कृपया आप बताएं, क्योंकि आप लोग रानी की वीडियो देख देख कर मुझे पता है कि आप बोर हो चुके हैं। रानी ये तोस हमारे यहाँ बोलते हैं रस खाती है डुबो डुबो के, मतलब जैसे हम लोग चाय में कुछ भी डुबो डुबो के खाते हैं वैसे ये भी खाती है। इसमें रानी की भी वीडियो जाएंगी और प्रैंक भी जाएगा, कॉमेडी भी जाएगा, यानी कि हर तरह का कंटेंट इसमें हम डालेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। रानी देखो चाय कैसे डुबो डुबो के खा रही है। ये चाय डुबो डुबो के खाती है और बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीखती है। रानी की वजह से चैनल इतना बड़ा हुआ, 5 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रानी को प्यार दिया, रानी के चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बल्कि रानी का सपोर्ट नहीं है, अपने रानी का तो किया ही है, उसके साथ में कई लोगों की ज़िंदगी भी बनी रानी की वजह से। जैसे हम हैं, हमारी फैमिली है और भी कुछ लोग हैं जो हमसे हेल्प लेते हैं। देखो कैसे डुबो डुबो के खा रही है, ये डुबो दी। मतलब जैसे हम लोग खाते हैं ना चाय में कुछ भी डुबो के, कुछ भी डुबो के, वैसे ये भी खाती है। है तो टैलेंटेड है, सारी चीज़ें सीखती है, क्योंकि इसके पहले इंसानों के बीच में रहती थी जब हमारे गांव में नहीं आई थी। ये किसी नचाने वाले की बंदरिया थी, इसके कान कटे हैं, पूंछ कटी है, इसके दांत टूटे हुए हैं नोकीले वाले। तो वो उसने क्या किया, इसके सारे दांत वांत तोड़ दिए, पूंछ भी काट दी, कान कटे हुए हैं, कान में कुछ पहनाते हैं। तो देखो चाय कैसे पी रही है, अभी कटोरी उठा के पिएगी। ये देखो कैसे कटोरी उठा के, मतलब इतना तो ये सीख गई है एक हाथ से कटोरी उठाना। पहले क्या था कि गिरा देती थी, लेकिन अब नहीं गिराती है, अब उठा लेती है और दोनों हाथ से भी पकड़ के उठा लेती है। दोनों हाथ से डंडा फेंक के मार देती है, ईंटें फेंक के मार देती है, पत्थर फेंक के मार देती है, सारी चीज़ें तो फेंक के मार देती है और कंटाप भी मार देती है, काट भी लेती है, मतलब सारी एक्टिविटी इसके अंदर है। सीखने की क्षमता देखो, समझने की। पहले ये देख रही है, सूंघ रही है कि ये दूध वाला है कि नहीं है। ये रानी दूध वाला आइटम नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है, क्योंकि पहले से ही नहीं खाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो अडॉप्ट करके रखते हैं, जो बंदरों को पालते हैं, घर पे रखते हैं, उनको सिखाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ तो हमेशा थे नहीं। वैसे भी आई है तो पूरे गाँव में घूमती है, एक जगह नहीं रुकती है, इसीलिए तो सभी को परेशानी होती है कि ये पूरे गांव में घूमती है और ये बंदा जो है वीडियो बनाकर फ़ायदा उठा रहा है। अभी हमारे यहाँ पर्सनल होती तो हम इसको बांध के रखते, और बांध के हम रख भी नहीं सकते, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि जंगली जानवर को बांध के रखने का क्या नतीजा होता है। ये अपने मन से आती है घर में, हो गई है दोस्ती,
इंसान हो या जानवर, प्यार से आप बोलेंगे, उसको खाना खिलाएंगे तो वो आपको पहचानेगा। वैसे रानी भी हमारे माहौल में, हमारे फैमिली मेंबर के साथ घुल मिल चुकी है, माहौल में ढल चुकी है, आराम से रहती है, आराम से खाती पीती है, इसका जीवन यापन चल रहा। और क्या है यार, ये जंगल में जा भी नहीं सकती, इसको जंगली जानवर काटेंगे, मतलब जैसे जंगली बंदर होते हैं तो इसको देख के चिढ़ते हैं। अगर बंदर इंसानों के बीच में है तो जंगली बंदर लोग अपने ग्रुप में उसको कभी नहीं रखेंगे, फिर उसको अपने ग्रुप से निकाल देंगे, फिर क्यों ना ही उसको नोच नोच के खा डालेंगे, लेकिन अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, और तो सारी चीज़ें आप सभी को पता है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं ना। हमारे यहाँ इस टाइम गर्मी तो ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन ये मक्खी की वजह से हम जो है पंखा चलाते रहते हैं बयाना। और आप सभी की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, क्या हम प्रैंक वीडियो या कॉमेडी इसमें डालें रानी के साथ साथ, क्योंकि आप लोग रानी की वीडियो कंटिन्यू 10 साल नहीं देख पाएंगे। 10 साल देखेंगे लेकिन कंटिन्यू वही वीडियो आपकी इच्छा नहीं होगी। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।